वेलकम टू गाइज, आपका अपने यूट्यूब चैनल कह रहे करेंसीज में सभी का स्वागत है। जैसा कि हम बात करेंगे पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी के जो आपने एग्जाम फॉर्म भरा है यानी स्टाफ नर्स का कैटेगरी नंबर एक से, तो उसके एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गए हैं साइट पे, यानी 14 अप्रैल तक नहीं थे और आज की डेट में अवेलेबल हो गए हैं। कैसे निकालना है कम्प्लीट इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जैसा कि हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, पंडित भगवत दयाल शर्मा की उनकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये साइट भी आप गूगल पे टाइप करके भी ओपन कर सकते हैं, फिर भी नहीं टाइप होगी तो मैं आपको बता दूंगा कंप्लीट इस वीडियो में, ठीक है। अब इस वीडियो में हम कंप्लीट बात करेंगे फॉरगॉट यूजर आईडी और पासवर्ड से रिलेटेड भी बात, ठीक है। यहां पर हम जाएंगे लॉगिन पे, जैसे लॉगिन पे प्रेस करेंगे उसके बाद में आपको इस तरह का ऑप्शन पेज देखने को मिल जाएगा। ये साइट थोड़ी डाउन है, कोई दिक्कत नहीं है इस वजह से, ठीक है। आपको यहां पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फॉरगॉट पासवर्ड और लॉगिन आईडी। जैसे हम इससे पहले, यदि आपके पास लॉगिन आईडी है तो यहां पर अपनी आईडी टाइप करके प्रोसीड करके ओपन कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको फॉरगॉट यूजर आईडी पासवर्ड की बात बता देता हूं इसमें, ठीक है। यहां पर हम जैसे ही प्रेस यहां पर करेंगे उसके बाद में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपके पास लॉगिन आईडी है तो यहां पर लॉगिन आईडी भरें और गो कर दें, आपके मोबाइल पे मैसेज चला जाएगा, ठीक है। नहीं है तो अपने मोबाइल नंबर से भी यहां पर अपने ओटीपी लेकर यहाँ पर वेरीफाई करके एसएमएस आ जाएगा, तो भी अपना लॉगिन कर सकते हैं। इसमें यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएंगे, मोबाइल नंबर से आप करेंगे तो, लॉगिन आईडी से करेंगे तो उसमें भी आ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसमें ओपन करेंगे, आपके साइट में ओपन करके दिखाएंगे एडमिट कार्ड का, ठीक है। लिंक जैसे ओपन करेंगे उसको कैसे क्या क्या करना है, तो गाइज हम यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट का लॉगिन आईडी यहाँ पर फिल कर लेते हैं, इसके बाद प्रोसीड करके लॉगिन करके मैं आपको इसमें बताऊँगा कैसे क्या क्या करना है। तो गाइज जब हमने अपने लॉगिन आईडी यानी यूजर आईडी को फिल कर दिया है, उसके बाद में अगली स्टेप में जैसे प्रोसीड किया, उसके बाद में आपसे यहाँ पर पूछेगा पासवर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो कैप्चा है यहाँ पर फिल कर देंगे, फिर वेरीफाई पासवर्ड करने के बाद में लॉगिन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो गाइज जब हमने यहाँ पर पासवर्ड फिल कर दिया और कैप्चा भी फिल कर दिया, अब यहाँ पर हम इसको वेरीफाई कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद में आपके पास अगला पेज ओपन हो जाएगा। तो गाइज हमने जैसे ही फिल किया उसके बाद में ओपन हो गया है, यहाँ पर आपके सामने पोर्टल भी ओपन हो गया है, यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, यहाँ से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट निकाल सकते हैं। और इसके लिंक के बारे में बात करें तो इसका लिंक मैं आपको बता देता हूँ, इसमें इसका हम लिंक कमेंडिशन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। वहाँ से अपना डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके लॉगिन करके फॉरगॉट है तो फॉरगॉट कर सकते हैं, इस तरह से अपना प्रिंट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इसको सर्वर में प्रॉब्लम दिखाता है कभी कभी, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, सर्वर में एरर भी आ रहा है। ये एरर कुछ समय के लिए अभी आ रहा है, ठीक है। पहले साइट निकल भी गया था एडमिट कार्ड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करते रहें तो आपका एडमिट कार्ड भी निकल जाएगा ज़रूर से, ठीक है। यहाँ पर हम आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने वीडियो के लिंक में, ठीक है। वो यहाँ पर डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं कम्प्लीटली। आप सोच रहे हैं कि कौन सा फॉर्म दिखा दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसमें कैटेगरी नंबर कौन सी भरी थी हमने, ठीक है। आपको यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखाऊँ, कैटेगरी नंबर एक स्टाफ नर्स, यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कम्प्लीटली इसका लिंक कमेंटेशन बॉक्स में दे दिया गया है, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।